चलिए सर, आज एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं सर। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस साथ के साथ सोचना है, सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मान लेते हैं एक प्लांट है, कोई भी एक प्लांट है, और हर एक मशीनरी का, किसी भी प्लांट का, मशीनरी का एक अपना कैपेसिटी होता है, किसी भी प्लांट के मशीनरी का एक प्रोडक्शन का कैपेसिटी होता है। तो मान लेते हैं जो मेरा ये मशीनरी है, ये मेरा कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी जो है वो 1000 यूनिट का है। आप मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिएगा कमेंट में कि जितने की कैपेसिटी होती है किसी भी प्लांट वगैरह का बनाने का, जितने का कैपेसिटी होता है, क्या उतना ही हमेशा प्रोड्यूस कर सकते हैं या उससे कम या ज़्यादा? जितने का कैपेसिटी होता है, सबसे पहले जितने का कैपेसिटी होता है क्या हमेशा उतना ही प्रोडक्शन होता है? सिंपल सा जवाब हाँ या ना में बताइए। जितने की कैपेसिटी है क्या हमेशा उतने का ही प्रोडक्शन होता है? मैक्स तक प्रोडक्शन सर, इक्वल लेस, ठीक है, हाँ कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्टली। अब अगर मैं कहूं कि मैं 90% कैपेसिटी पे काम कर रहा हूं, यानी मैंने 90% कैपेसिटी पे प्रोडक्शन किया है, तो आप मुझे जवाब दीजिए कि 90% कैपेसिटी पे मैं प्रोडक्शन करूंगा, करता हूं और नॉर्मली मैं करूंगा, तो बताइए कितने यूनिट में प्रोड्यूस कर पाऊंगा, कितने यूनिट होना चाहिए, बताइए मुझे कितने यूनिट होना चाहिए 90% से। तो सर सवाल का जवाब है सर, यहाँ पे होने चाहिए 900, लेकिन मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन किया, जो मैंने एक्चुअल प्रोडक्शन किया, मेरा अंदाजा था कि भैया 100% कैपेसिटी है और 90% मैं काम कर पाऊंगा, लेकिन एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ वो हुआ मान लेते हैं कि 850। एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ वो क्या हो गया हमारा 850, 850, ठीक है। तो जवाब आ गया था सभी का 850। तो जो हम अंदाजा लगाते हैं ना, एक हम बेंचमार्क सोच के फिक्स करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या स्टैंडर्ड एस्टिमेशन। दो चीजें होती है, एक होता है स्टैंडर्ड और एक होता है सर एक्चुअल। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि इतना काम होना चाहिए स्टैंडर्ड, और एक्चुअल जो काम हुआ। सर क्वेश्चन नंबर 1 ये भी हो सकता है, और सवाल नंबर 2 ये भी हो सकता है हमारा कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो मेरा 950 हो गया। यानी दोनों सवाल जायज है और दोनों चीज़ें पॉसिबिलिटी है कि हमारा कैपेसिटी था 1000 का और हमने अनुमान लगाया, हमने एक स्टैंडर्डाइज किया कि भैया 90% कैपेसिटी तक काम करेंगे, जो कि 900 यूनिट होता है, बट एक्चुअल में भी पॉसिबल है कि हम 850 यूनिट बना पाएँ, और एक्चुअल ये भी पॉसिबल है कि हम 950 यूनिट बना दें। अब मान लेते हैं मेरा फिक्स कॉस्ट जो है यहां पे, फिक्स कॉस्ट सपोज करिए यहां पे फिक्स कॉस्ट जो है वो है 2 रुपए पर यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट। तो अगर मैंने प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट जो 2 रुपए पर यूनिट है, और मैंने एक अंदाजा लगाया हुआ है कि 90% कैपेसिटी होगा
और फिक्स कॉस्ट है सर 2 रुपये पर यूनिट, तो बताइए फिक्स कॉस्ट का एक्सपेंस कितना होगा? फिक्स कॉस्ट का एक्सपेंस बताइए सर, फिक्स कॉस्ट का एक्सपेंस कितना आएगा? जवाब आ गया सर 900 × 2 यानी 1800 रुपये। 1800 रुपये, 900 × 2 1800 रुपये। अगर मैं एक्चुअल पे जाऊं, अगर मैं ये प्रोडक्शन करता तो मेरा जो फिक्स कॉस्ट होगा वो इसके हिसाब से होना चाहिए 850 × 2 यानी सर 1700। अगर मैं ये करता तो एक्चुअल होना चाहिए 850 × 2 यानी 1900 रुपये, सीधी सी बात है। तो देखो हमारा फिक्स कॉस्ट होता इतना और अगर हमारा हुआ इतना तो हम बोलेंगे हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन है। ध्यान दीजिएगा, जितना हमने अंदाजा खर्चा लगाया अगर उस खर्चे से कम खर्चा हो रहा हो तो उसे बोला जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन, उसे बोला जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन। मैंने अंदाजा लगाया था 1800 और खर्चा हो गया हमारा 1900, तो हम बोलेंगे वो है ओवर एब्जॉर्प्शन। तो पहले सबसे पहले अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन लगाइए। वेरिएबल कॉस्ट पे कभी भी अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट नहीं लगता, हमेशा लगता है फिक्स कॉस्ट के ऊपर कि आपका अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया या ओवर एब्जॉर्प्शन। तो सिंपल सी बात है, क्या आपको समझ में आ रहा है? आप मुझे एक जवाब दीजिएगा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि आप बताना है आपने अंडर एब्जॉर्प्शन कितना हुआ। मेरा सवाल सुनिएगा फिर क्लियर हो जाएगा, फिर बचेगा ही नहीं कुछ चैप्टर के अंदर। तो सर बड़ा साधारण सा सवाल है कि मेरा कैपेसिटी जो है वो है 5000 यूनिट का और मैं वर्क करूँगा 80% पे और 80% के साथ साथ मेरा फिक्स कॉस्ट है मेरा, मान लेते हैं 40,000 रुपये का मेरा फिक्स कॉस्ट आएगा, ठीक है ना? मेरा 40,000 रुपये का फिक्स कॉस्ट आएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन अगर मैं 3500 करूं, एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने 3500 किया, या हो सकता है कि मैं प्रोडक्शन कर दूं सीधा 5000 का, ठीक है? कैपेसिटी से ऊपर तो नहीं जा पाएंगे समहाउ केस, बट हम जितना हमने सोचा है उससे ऊपर नीचे तो हो सकता है। तो मुझे सवाल है कि हमारा क्वेश्चन का मुझे जो जवाब देना है आपको, सर क्या जवाब देना है? जवाब नंबर वन, आप बताइए फिक्स कॉस्ट तो आपको पता है सर, और पता है कितना है ये 40,000, और 40,000 पता है कितने कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, इतने पे 80%। तो मुझे आप बताइए कि फिक्स कॉस्ट, एक क्वेश्चन ना बड़ा अजीब लगेगा सर, फिक्स कॉस्ट तो क्या होता है, फिक्स होता है, बट यहाँ पे आपका सर चेंज कैसे हो रहा है ये फिक्स कॉस्ट? हर जगह पे फिक्स कॉस्ट होना चाहिए। एब्जॉर्प्शन वाले कॉन्सेप्ट, एब्जॉर्प्शन देखो नाम से क्लियर है, एब्जॉर्ब करना, जितना पार्ट लगेगा फिक्स कॉस्ट का उतना ही लेंगे। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में फिक्स कॉस्ट भी काइंड ऑफ वेरिएबल के तरीके से वर्क करता है, लेकिन हाँ वो फिक्स होगा, लेकिन उसको कैटेगराइज कर देंगे हम, उसको लेंगे हम फिक्स को। ऐसा नहीं है कि हम 40,000 है यहाँ पे हमारा, जैसे कि 1800 है 1700 आए तो 100 को भूल जाएंगे, यहाँ पे हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा 100 रुपये जिसका ट्रीटमेंट हम करेंगे, और यहाँ पे हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा 100 रुपये इसका भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप मुझे फिक्स कॉस्ट बताइए, पहले वाले एक्चुअल 3500 यूनिट पे फिक्स कॉस्ट बताइए, और फिर से बताइए मुझे आप फिक्स कॉस्ट दूसरे वाले सवाल के हिसाब से। दोनों जगह पे मुझे फिक्स कॉस्ट बताइए, और बताइएगा यहाँ पे कि अंडर है और यहाँ पे ओवर है, जैसे मैंने अभी सवाल किया है, फटाफट बताइए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन के साथ छेड़खानी करी है कि मैंने आपको पर यूनिट यहाँ वाले सवाल में दे दिया था कि पर यूनिट हमारा क्या है सर, पर यूनिट बता दिया था मैंने 2 रुपये का है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको पर यूनिट नहीं बताया, पर यूनिट निकालना पड़ेगा। तो सर पर यूनिट कैसे निकालोगे? आपका पहले देखो यूनिट कितना बनेगा वर्क, 5000 का 80% यानी 4000 यूनिट बनाओगे,
तो 4000 इसका मतलब सर पर यूनिट जो कॉस्टिंग आ रही है ना आपकी, 40,000 डिवाइडेड बाई 4000, दैट इज़ अ 10, आपका 10 आ गया। तो आप बताइए फिक्स कॉस्ट दोनों केसेस में कितना कितना आएंगे? जवाब आ गया फर्स्ट का 35,000 रुपये। 35,000 कैसे निकाला देख लेते हैं सर, 3500 और डिवाइडेड बाय इनटू में 10, तो 35,000 रुपये बिल्कुल सही जवाब है दीपक का। और दूसरे में मैंने बोला कि भैया 5,000, तो इसका भी जवाब बिल्कुल सही दे दिया, 50,000। तो देखो हमने फिक्स कॉस्ट कितना डिटरमाइन करके रखा था, हमें उम्मीद था कि फिक्स कॉस्ट कितना होगा 40। तो पहले वाले केस के अंदर हमारा क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट अंडर हो गया या ओवर हो गया? तो जवाब है कि कम खर्चा हुआ तो अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया, दैट इज कितने से, 5000 से। और सेकेंड वाले केस के अंदर ज़्यादा खर्चा हो गया, ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया फिक्स कॉस्ट का, दैट इज कितने से, 10,000 से। आपको क्या अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन फिक्स कॉस्ट का निकालना आ गया? क्या अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन फिक्स कॉस्ट का निकालना आया आपको? फटाफट से मुझे जवाब दीजिए। बताइए फटाफट, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर, यस। चलिए अब हम सवाल पे चल सकते हैं। और बस लास्ट कॉन्सेप्ट था ये, जिसके अंदर मैंने बताया था एक एडजस्टमेंट आएगा, एडजस्टमेंट के हिसाब से करेंगे। लास्ट सवाल था एक तरीके से, क्वेश्चन नंबर 3 दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। चलिए सर हम फिर से क्या करें, फॉर्मेट बना लिया जाए, दो ही फॉर्मेट बनेंगे ना, पहले पढ़ लें क्वेश्चन को, पहले फॉर्मेट में बना लेता हूँ, आप इतने सामने क्वेश्चन है अभी एक बार रीड करिए। एक ये बना लिया, एक यहाँ बना लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा छोटा बनेगा, ट्राई टू के हम एडजस्ट कर पाए इसमें, जो नहीं आएगा हम साइड में लिख लेंगे इसका, है ना। हम इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं और ये बनाने जा रहे हैं हम एब्जॉर्प्शन। इनकम स्टेटमेंट और ये बनाने जा रहे हैं हम मार्जिनल इनकम स्टेटमेंट, इसको वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अमाउंट, जी सर, सवाल पढ़ लिया जाए। सवाल में कहता है योर कंपनी हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी 12,500 यूनिट। हमारे कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी है, कैपेसिटी कितने का दे रखा है सर, कैपेसिटी दे रखा है 12,500, 12,500, एंड नॉर्मल यूटिलाइजेशन 80%, और हम वर्क करने वाले हैं 80% पे। तो सर 80% पे अगर हम वर्क करते हैं तो कितना होगा? कैलकुलेटर महाराज, इफ आई वर्क एट 80% तो 12,500, 80% सर 10,000 यूनिट आपके बनने चाहिए। चलिए सर आगे कहता है ओपनिंग यूटिलाइजेशन 80%, ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स 1/1/2011 को 1,000 यूनिट। कहता है सर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक भी है 1,000 यूनिट। आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर 31/3/2011 प्रोड्यूस, हमने प्रोड्यूस कितना कर दिया सर? हमने सोचा था 10, लेकिन प्रोड्यूस कर दिया 11,000 रुपये का यूनिट।
और सोल्ड ओनली 10,000 यूनिट, और मैंने जो सोल्ड यूनिट किए हैं वो 10,000 यूनिट किए हैं। आगे कहता है क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यानी वीसी कॉस्ट आपका स्टैंडर्डाइज किया गया है कि 6.5 रुपये का रहेगा, एंड स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट फैक्ट्री, और फिक्स कॉस्ट जो होगा मेरे फैक्ट्री वाला वो जो रहने वाला है वो 1.5 रुपये के हिसाब से रहने वाला है। आगे कहता है क्वेश्चन में, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, हमारा फिक्स जो पार्ट है यानी फिक्स कॉस्ट सेलिंग वाला, यहाँ पे कोई फर्क नहीं आएगा, दैट इज़ अ 10,000। आगे कहता है एंड कंपनी कहता है कि टोटल फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ये टोटल बता दिया इसने, फिक्स इतना रहने वाला है सेलिंग का और एडमिन का ओवरहेड का। द कंपनी इट्स सेल प्रोडक्ट 10 रुपये पर यूनिट, और कंपनी जो सेल्स करेगा वो कहता है क्वेश्चन में, सर 10 रुपये पर यूनिट के हिसाब से कर लेगा। प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्टिंग, इसके हिसाब से आपने बनाना है। बहुत साधारण सा सवाल है दोनों के, और डिफरेंस क्यों आया इसको भी सर हमें एक्सप्लेन करके बताना है। तो हम एक एक करके पहले हम एब्जॉर्प्शन का कर लेते हैं। सेल्स, तो यू नो वेरी वेल कि हमने बेचे हैं कितने यूनिट सर, 10,000 यूनिट। तो 10,000 यूनिट बेचे हैं और एक की कीमत 10 रुपये है, तो सर कितने का बेच दिया होगा, 1,00,000 का। क्लियर। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या करते हैं, हम सेल को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, 1,00,000। अब यहां पे क्या करते हैं हम, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट सर यहां पे जो प्रोडक्शन कॉस्ट आया हमारा और कितना आएगा वो देखते हैं। सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट, फैक्ट्री वाला वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट 6.5 है, तो जितने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन किए, तो प्रोडक्शन हमने किया सर 11,000 इंटू में 6.5, तो 11,000 इंटू में 6.5 दैट इज 71,500। सर अब फिक्स कॉस्ट लेके जाते हैं, 11,000 इंटू में 1.5, 11,000 इंटू में 1.5 16,500। ये हमारा हो गया फैक्ट्री का खर्चा, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। सर कितने आ गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 71,500, ये आ गया 88,000। इसमें लेस कर दिया जाएगा, क्या लेस करेंगे सर, लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, और ऐड कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया सर, ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक और लेस कर देंगे हम क्लोजिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं दे रखा, तो ओपनिंग स्टॉक हम प्रीवियस वाला ही कंसीडर कर लेते हैं कि जो पुराने वाला रहा होगा वही हमारा ओपनिंग स्टॉक रहेगा। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं कहीं ओपनिंग स्टॉक का चर्चा किया गया है क्या, कहीं ओपनिंग स्टॉक के बारे में हमें बताया गया है कि कितने रुपए का होगा। तो सर यहाँ पूरे सवाल के अंदर कहीं भी ओपनिंग स्टॉक के बारे में नहीं बताया गया, तो वेरी सिंपल सी बात है, हमारे कोई फ्लक्चुएशन नहीं हुआ प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा ऊपर नीचे, तो ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं हम पुराने वाले के हिसाब से ही मान लेंगे। सबसे पहले तो नए वाले का पर यूनिट कॉस्ट क्या होगा, या तो देखिए आप डिवाइड कर लीजिए इसको कैसे, 88,000 डिवाइडेड बाय यूनिट, पर यूनिट कॉस्ट निकालते थे ना, यहाँ रफली कर रहा हूँ मिटा दूंगा, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालते थे, कॉस्ट 88,000 इसको डिवाइड कर देते थे तो कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, तो सवाल आ गया 8 रुपये। लेकिन सवाल में यहाँ 6.5 और 1.5 अगर दे रखा हो तब भी आप 8 रुपीस निकाल सकते हो इस यूनिट को ऐड करके। तो सर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन ने बताया था कि कितना है हमारा ओपनिंग स्टॉक बताइए, तो सर ओपनिंग स्टॉक 1,000 है, ओपनिंग स्टॉक 1,000, तो 1,000 गुणा में 8 यानी 8,000, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है सवाल में नहीं पता, तो क्लोजिंग स्टॉक का मैंने फॉर्मूला बताया था कि सेल्स यूनिट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक यूनिट प्लस में प्रोडक्शन यूनिट और माइनस में क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। तो सेल्स यूनिट है सर 10,000, ओपनिंग स्टॉक यूनिट है 1,000, प्रोडक्शन है हमारा 11,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो निकलेगा क्या, तो
तो 12,000 माइनस 10,000, तो सर जवाब आ गया 2,000, तो ये आएगा हमारा 2,000 और इसका भी रेट होगा 8 रुपये, तो दैट इज़ हमारा 16,000 माइनस का ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये आ जाएगा हमारा 88,000 प्लस 8,000 माइनस 16,000, दैट इज 80,000 रुपीज़। पहले यहाँ तक सवाल देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, यहाँ तक देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बताइए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? मैंने थोड़ा जल्दी जरूर किया है लेकिन फटाफट से बताइए यहाँ तक। साक्षी का कहना है नो डाउट, दीपक का कहना ओपनिंग का प्राइस, देखिए ओपनिंग का प्राइस हमें दे नहीं रखा, अगर दे रखा होता तो हम पिछले वाला कंसीडर कर लेते, इसलिए हमने ओपनिंग का प्राइस क्या ले लिया, वेरिएबल प्लस में फिक्स कॉस्ट हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया ओपनिंग के प्राइस में। देखते जाइए फटाफट किसी का डाउट है तो। फटाफट बताइए कोई डाउट। सर एवरी टाइम रेट सेम होगा? नहीं 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 साक्षी, नहीं, रेट हर बार एग्जामिनर देगा कि ओपनिंग का ये रेट है। अगर हमें पता हो कि पिछले साल का ये रेट था वो ओपनिंग में आ जाएगा, अगर पिछले साल का रेट नहीं पता तो एवरी टाइम एग्जामिनर देगा, नहीं देगा तो अजम्पशन ले लेंगे, जो हमारा इस बार का रेट है वही रेट हम मान के कंसिडर करके कर लेंगे। क्लियर? चलिए सर, अब हम अभी तक सीख रहे थे एक बात, अंडर ऑब्जर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन की बात। यहां पे ना हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं या फिर ऐड कर देते हैं या फिर लेस कर देते हैं। अगर हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ, कम खर्चा यहां पे रिकॉर्ड हुआ तो ऐड हो जाएगा, अंडर वाले केस में ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने खर्चा सोचा था इतना हुआ फिक्स कॉस्ट का, और सिर्फ ये एप्लीकेबल होगा फिक्स कॉस्ट वाले पार्ट पे। और जितना हमने सोचा था इतना फिक्स कॉस्ट होगा, अगर उससे ज्यादा हो गया तो ओवर हो जाएगा, ओवर एब्जॉर्प्शन। समझ में आई बात आपको? अब मेरे वाले सवाल में हमने सोचा था भैया 10,000 यूनिट बनाएंगे, लेकिन बना दिया है 11,000, तो जो फिक्स कॉस्ट है जितना होना चाहिए था 10,000 कैपेसिटी पे उससे तो ज्यादा हो गया, वो क्या हो जाएगा हमारा ओवर एब्जॉर्प्शन। तो कितना ज्यादा हुआ कौन बताएगा कि हमारा फिक्स कॉस्ट ओवर एब्जॉर्प्शन कितना है, जवाब दीजिए कमेंट में, कौन बताएगा के फिक्स कॉस्ट ओवर एब्जॉर्प्शन कितना है, अमाउंट भी बताना है आपको। दीपक ने जवाब दे दिया सर 1,000 रुपए से ओवर होने वाला है। चेक कर लेते हैं सर, हमारा 1,000 तो यूनिट है दीपक, मुझे अमाउंट में चाहिए, मुझे अमाउंट में चाहिए।
ओवर एब्जॉर्प्शन ठीक है, 1000 ओवर है, लेकिन अमाउंट में चाहिए हमें फिक्स कॉस्ट का, किस में चाहिए मुझे, अमाउंट में, तो एक यूनिट का फिक्स कॉस्ट क्या था, एक यूनिट का फिक्स कॉस्ट देखिए यहां पे है ना, तो आप बोल रहे हो सर 1000 का एक्स्ट्रा हो गया तो ओवर हो गया, तो इनटू में क्या करेंगे 1.5, दैट इज कितने रुपए एक्स्ट्रा हो जाएंगे सर, 1500 रुपये, तो हम यहां पे लेस कर देंगे 1500 रुपये। तो किसी सवाल में ये कम भी हो सकता है और किसी सवाल में ये ज़्यादा भी हो सकता है, तो सिंपल सी बात है अंडर में ऐड कर देंगे, ओवर में हम लेस कर देंगे। बायोलॉजिकल पता है कि इतना खर्चा हमारा ज़्यादा हो गया, तो हम अपने कॉस्टिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो स्टैंड फिक्स रहेगा, क्योंकि हमारा अंदाजा था सर 10,000 यूनिट बनने वाला है और 1.5 फिक्स कॉस्ट होने वाला है, दैट इज 15,000 होने वाला है। लेकिन सवाल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट कितना ले चुके हैं हम, एक्चुअल में 16,500, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो पूरे स्टेटमेंट में फिक्स होना चाहिए, तो हम यहाँ ना घटा के, अगर मैं यहाँ घटा दूँ तो आप देखोगे ध्यान से इसको, तो आपको क्या नजर आएगा, सर 16,500 आपने फिक्स कॉस्ट कर दिया, होना चाहिए 15, और जिसमें से 1500 माइनस कर दिया, तो स्टेटमेंट में तो 15,000 ही फिक्स कॉस्ट आया है, स्टेटमेंट में तो 15,000 ही फिक्स कॉस्ट आया है। समझ में आई बात आपको, फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रहा, कहीं सोचना मत कि फिक्स कॉस्ट चेंज हो गया। तो ये सवाल पिछले में ऐड नहीं किया था इस फॉर्मेट के अंदर, अब ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा जब सवाल करेंगे तभी, उस टाइम पे करता तो बड़े सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि इसका कैसे करेंगे, इसका क्या होगा, अब आपको ज़्यादा इसमें क्वेश्चनिंग नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया सर 78,500, थोड़ा सा क्वेश्चन का साइज, चलिए सर आगे चलते हैं हम। चलिए सर आगे चलते हैं, आगे क्या सर, ये आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हमारा क्या आता है, हमारा अभी इसको मैंने गलत ऐड कर दिया, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, ये था, इसके बाद सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐड करते हैं, तो फॉर्मेट के हिसाब से इसको अभी नहीं लेते हैं, ठीक है, अब इसमें ऐड हो जाएगा फिर से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हमारा था 10,000 रुपये, ये ऐड हो गया, दैट इज अब 78,500 आ गया, इसको कॉल करेंगे हम टोटल कॉस्ट, अब हमारा निकलेगा सर प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा, सेल्स माइनस में टोटल कॉस्ट, सेल्स था 1,00,000 का और ये हो गया हमारा 88,500, तो दैट इज 11,500 का हमारा क्या आ गया सर यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ गया है। किसी को इस स्टेटमेंट में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं सवाल, किसी को इस स्टेटमेंट में डाउट है तो पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ करी है तो वो चीज़ें मैं आपका यहाँ साइड में कर देता हूँ, क्योंकि पीडीएफ के अंदर आ जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक। सर क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड किया, सर सेल्स यूनिट इज इक्वल टू ओपनिंग यूनिट प्लस में प्रोडक्शन यूनिट माइनस में क्लोजिंग स्टॉक यूनिट, माइनस में क्लोजिंग स्टॉक यूनिट। थोड़ा इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है सर, माइनस में प्रोडक्शन यूनिट, और सर सेल्स दे रखा था हमें 10,000, ओपनिंग दे रखा था हमें 1,000, प्रोडक्शन हमें पता था 11,000, माइनस क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता था, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे इस सवाल को तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा कितने का सर 2,000, और एक यूनिट की कीमत बनेगी, कॉस्ट पर यूनिट अगर आपने निकालना है तो 88,000 रुपीज़ लेंगे और डिवाइडेड बाय 11,000 करेंगे, दैट इज़ 8 आ जाएगा, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू क्या आ जाएगा सर
2000 इंटू में 8, दैट इज 16000 रुपये आ जाएगा। अगर हमें ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू नहीं पता तो जो लेते हो क्लोजिंग का वही अजम्पशन मान के हम कर लेंगे, जो कि हमने यहाँ किया हुआ है। होपफुली आपको ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे चलें, अगर आप बोले कि सर हो गया है तो हम दूसरे स्टेटमेंट पे चल लेते हैं और फटाफट से इस सवाल को ख़त्म कर देते हैं। चले हम इसमें, क्लियर है आपको? क्लियर सर। चलिए अब हम इसका बना लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? सेल्स लिखेंगे। इसमें अंडर ऑब्जॉर्प्शन ओवर ऑब्जॉर्प्शन का कोई चक्कर नहीं है सर, इसके अंदर कोई चक्कर होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता सर? ये वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर काम करता है, क्योंकि यहाँ पे तो फिक्स कॉस्ट आता ही नहीं ना ऊपर इसके वाले केस के अंदर, तो ये वेरिएबल पे, तो ये तो बड़ा आसान है। 1 लाख, और हम फिर निकाल लेते हैं, इसको टोटल कर देते हैं 1 लाख। इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, सर वेरिएबल कॉस्ट तो हमें गिवन है, सिंपल। अलग से क्या हेडिंग बनाना चाहते हो तो बना लो। आपका क्वेश्चन में क्या कहता है? स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट, वही लिखना चाहते हो। वेरिएबल कॉस्ट जो कि है 11000 यूनिट इनटू में 6.5, दैट इज कितने आ जाएंगे? 11000, 71500। सर और तो कुछ होगा नहीं यहाँ पे। ये आ गया हमारा कॉस्ट प्रोडक्शन, या हमारा हाँ कॉस्ट प्रोडक्शन, वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे सर हम ऐड करने वाले हैं, क्या ऐड करने वाले हैं? ओपनिंग स्टॉक, और सर लेस करने वाले हैं, क्या लेस करने वाले हैं सर? क्लोजिंग स्टॉक। फिक्स कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तो 1000 यूनिट यहाँ पे सिर्फ 6.5 के हिसाब से आ जाएगा, और यहाँ पे 2000 यूनिट सिर्फ 6.5 के हिसाब से आ जाएगा। कैसे सर? आपका कॉस्ट पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला यही है, 71500 और डिवाइडेड बाई 11000, तो वो तो मल्टीप्लाई वही किया है, वही आपको अपरेंटली दिख रहा है, ये तो बस करके दिखा रहा हूँ मैं। तो सर ये आ जाएगा 6500, और ये लाइन हटा देते हैं, 6500, और ये आ जाएगा हमारा 13000 रुपये। तो सर ये जो आएगा हमारा 13000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट इज 65000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट इज 65000। गुड सोल्ड इसके अंदर सर है, ऐड कर देंगे हम वेरिएबल कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब चेक करते हैं सर ये क्या कहता है, यस नाउ वॉइस इज क्लियर। थोड़ा लाइट कट होने की वजह से एकदम से सारा का सारा शट डाउन हो गया था राउटर वगैरह, इसलिए चला गया था। नाउ मैंने कनेक्ट कर दिया है, वॉइस क्लियर है आपको? हम आगे अभी कंटिन्यू फिर से रीस्टार्ट करते हैं, क्लियर है? चलिए होपफुली हमारा डेटा सेव हो गया हो। यस सेव हो गया था, ये हम पहले सेव कर लेते हैं इसको, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पहले सेव कर लेते हैं। ओ माय गॉड, ठीक है रिप्लेसमेंट पे जाएगा ये, कोई बात नहीं। चलिए हम फटाफट से ख़त्म करते हैं सर इस क्वेश्चन को। यहाँ तक हर किसी को क्लियर हो गया था, ऑल दो हम आगे चलते हैं सर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आता है? 71500 माइनस में 6500, ये 65000 रुपये आ गया, 65000 रुपये आ गया। ये आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट, नहीं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अच्छा वो सेव नहीं हो पाया। चलिए ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसमें ऐड कर देंगे हम सेलिंग एक्सपेंस। अब चेक करते हैं सर क्या कहता है क्वेश्चन में, सवाल में कहता है कि
टोटल फिक्स सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 10,000 द कंपनी सेल प्रोडक्ट। यानी सर वेरिएबल वाला ना सेलिंग वाला तो है ही नहीं, ये जीरो है सर। वेरिएबल वाले पार्ट की बात करें तो ये जीरो है सर। अगर वेरिएबल वाला ये जीरो है इसका मतलब हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वीसी 65,000 ही आएगा। अब हम यहां पे क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन। सर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस में वीसी, दैट इज 1,00,000 में से माइनस होगा तो कितने बचेंगे सर, 35,000। अभी लाइन को क्लियर कर देते हैं, कितने बचेंगे सर, 35,000। ठीक है, अब 35,000 अगर हमारे ये बच रहे हैं, अब हम लास्ट में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं सर, सॉरी लास्ट में हम लेस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, लेस फिक्स कॉस्ट। सर लेस फिक्स कॉस्ट कितना होगा, 10,000। कौन से वाला सर, एडमिन वाला, एडमिन वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला। तो ये सर प्रॉफिट कितना निकल के आया, सर यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया 25,000 रुपये, यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया 25,000, और यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आया था 11,500 रुपये, 65,000 रुपये। ठीक है, कॉस्ट के बाद, ठीक है ठीक है ठीक है, बच्चों ने बता भी दिया। आप बताइए फटाफट से, किसी को दिक्कत है यहाँ पे, एक पॉइंट रह गया इसमें तो शायद, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। फिक्स कॉस्ट हमने एक ही लिया है, फिक्स कॉस्ट यहाँ दोनों कंसिडर किया जाएगा, है ना। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा हाइड कर दिया जाए क्योंकि अब क्वेश्चन का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, हमें मेन सवाल देखना है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने फिक्स कॉस्ट जो एक ही लिया है एडमिन का, एक फिक्स कॉस्ट कौन सा होता है, फैक्ट्री वाला भी, जो कि था हमारा कितना होगा सर, हमारा नॉर्मल कितने पे जा रहा था, ये नॉर्मल हमारा कैपेसिटी जो होता है उसी का फिक्स कॉस्ट लेंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो हमारा कैपेसिटी था उसी का फिक्स कॉस्ट लेंगे। तो सर कैपेसिटी हमारा कितना था, 10,000, और 1.5 के हिसाब से यहाँ पे सीधा 15,000 ही फिक्स कॉस्ट लिया जाएगा, भले ही आप कितने यूनिट प्रोड्यूस करो, कम या ज़्यादा। तो माइनस में आपका 1,00,000 और 10,000 और 15,000, तो सर जवाब आ गया सर यहाँ पे प्रॉफिट कितने आ गए, 10,000। सवाल पूछा गया कि इसके बीच में डिफरेंस क्यों आया है, तो बाकी आपके किताब में भी लिखा हुआ है इसके बीच में, बाकी आपको अप्रेंटली दिख रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से डिफरेंस आ रहा है सर, क्लोजिंग स्टॉक की वजह से, कि क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे 8,000 है और यहाँ 16,000 है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 65,000 और 13,000 है। इन दोनों का डिफरेंस अगर ले लेते हैं तो आप अप्रेंटली यहाँ पे 8,000 रुपये का इम्पैक्ट है और यहाँ पे 13,000 रुपये, यहाँ पे देखें तो 6,500 है, तो 8,000 और माइनस 6,500 जब करेंगे तो 1,500 रुपये का टोटल डिफरेंशिएट नज़र आएगा, और हमारे सवाल के प्रॉफिट में भी डिफरेंशिएट कितना नज़र आ रहा है, 1,500 रुपये का। तो यानी वेरी वेरी क्लियर सर, वेरी वेरी सिंपल, क्लोजिंग स्टॉक के वजह से इसके अंदर चेंजेस आ जाता है जो कि हमें रीज़न में बताना होता है। क्लियर, वीडियो इशू आ रही है, वीडियो इशू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो थोड़ा सा लैग हो गया होगा, अभी मैं फ्रेश डाउनलोड्स वाले डाल दूंगा। क्लियर है आपको, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं मुझे फटाफट से।